जिले में पुलिस ने एक शातिर चोर को पकड़ने में सफलता पाई है। जिले की शोहरतगढ़ ढेबरुआ थाना पुलिस और एसओजी टीम के संयुक्त टीम को यह सफलता मिली। शातिर चोर को पुलिस ने ढेबरुआ थाना क्षेत्र के सिसवा से नेपाल जाने वाली सड़क के पास से पकड़ा है। बता दें कि चोर के पास से 63 मोबाइल, 33 मोबाइल बैटरी, 4 चांदी की प्लेट सहित लाखों का कीमती सामान बरामद हुआ है। आपको बता दें कि पकड़ा गया शातिर चोर 19 बार जेल जा चुका है, उसके बावजूद भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आया, तब जिले के कई थानों में इसके खिलाफ मामले भी दर्ज, आखिरकार अभी पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। जनपद सिद्धार्थ नगर की पुलिस के द्वारा एसओजी की हमारी टीम एसओजी प्रभारी जीवन और सर्विलांस प्रभारी हैं अमित, इनको सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अभियुक्त है जो कि घूम घूम करके रात्रि में ये शटर तोड़ करके चोरी की वारदात कर रहा है। ये सोरतगढ़ इंस्पेक्टर के साथ इस सूचना को साझा किया गया और ये अपराधी रमजान है जिसको कि पकड़ने में आज सफलता प्राप्त हुई है। इसके पास से 63 मोबाइल और 33 अदद बैटरी जो कि अलग है मोबाइल से, और 4 चांदी की प्लेट हैं, 5 चांदी की कसैली हैं और एक पान का पत्ता है, एक सीसीटीवी का डीवीआर है और एक वाईफाई डीटीएच जो कि ये चोरी करके ले गए थे दुकान से, इसको बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये अभियुक्त रमजान जो है ये बहुत शातिर किस्म का अपराधी है। 19 मुकदमों में पहले जेल गया था, अभी ये जमानत में था। इसके द्वारा कुल 3 घटनाएं अभी जल्दी जल्दी की गई हैं थाना ढेबरुआ में, और जिसमें इसको गिरफ्तार किया गया है। इसकी गिरफ्तारी आज सुबह 6 बजे सिसवा से नेपाल जाने वाली सड़क के। बता दें कि चोर को पकड़ने वाली टीम को 20,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। सिद्धार्थ नगर से अमर श्रीवास्तव, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।